ऑरेंज 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 वाली बोलो ऑरेंज
हेलो हेलो वाहेगुरु 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 मेरे शाह किस को आती है सारा
था किसको यकीन शाह तू जाना ही कोए तू जाना ही कोए मेरे साह सुख होए सपना बिच तू बरतदा सबना बिच तू बरतदा सा सब तुझे ते आवे दिन रात सब तुझे ते आवे दिन रात सब तुझ ही थामो मंगदे मेरे सा तू सब ना करे एक दात सब को तुझ ही बिच है मेरे शाह तुझ ते बाहर कोई ना है सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा सब तुझ ही माहे समाए सब तुझ ही माहे समाए मेरे साह मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए सबना की तू आस है मेरे प्यारे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे साहा सब तुझे ते आवे मेरे साहा ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह सच नानक के पातशाह मेरे साह मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए अमरी बेदन तू जान तसा Thank you.
मरी बेदन तू जान तमेशा। अवर क्या जाने कोए, अवर क्या जाने कोए, मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख हो। सिजासे ने
विलासन के अंकमा प्रेम रस विषम होए सहज समाए है। प्रेम रस विषम होए सहज समाए आज मोरे आए आज मोरे आए पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए आज मोरे आए शब्द सुन अखियां उधर गई चात्रिक शब्द सुन अखियां उधर गई चातक शब्द सुन चातक शब्द सुन अखियां उधर गई वही जल मीन गात विरह जगाए वही जल मीन गात विरह जगाए आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साध संगत जी के संग साढ़े बहुत ही सत्कार योग रागी भाई साहब भाई बलजीत सिंह जी जिन्हों पासों आप जी ने कीर्तन का आनंद माणिया है। अज असी सिंह की चादर नौवे सतगुरु प्रकाश उत्सव के गुरपुरब बड़ी श्रद्धा प्यार बड़े उल्लास नारायणा हस्पिटल के प्रांगण में बहुत खुशी नाल मना रहे हैं। जो इस हॉस्पिटल के सत्कार मिले गए हैं डॉक्टर जीपी सिंह साहब प्रेम सेंटर श्री गोपाल शर्मा जी सीओ साहब चीफ साहब आदि कई अफसर जिन्होंने के बहुत बड़ा योगदान पाया है। इस महान समागम में मनाने गुरु महाराज जी खुशियां
असी दिलों दिया गहराइया तो लुगाणा तो इन्हों का पठानकोट धन्यवाद करते हाँ जिन्हों के बहुत बड़े सहयोग न असी गुरु महाराज जी के 400 साल गुरपुरब मनाने विच गुरु महाराज दी खुशियां लै रहे हाँ। मैं बेनती करता हाँ सत्कार योग डॉक्टर साहब जी के चरणों में डॉक्टर जे पी सिंह साहब आप जी के दर्शन करे दो लोग जरूर बोलेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ काफ़ी लोग जो पंजाबी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं तो आज मैं हिंदी में बोलने का प्रयत्न करूँगा। ज़रूर गलतियाँ होंगी माफी का याचक हूँ। आज हम एकत्रित हुए हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव की को मनाने के लिए और इस समय मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और SMVD नारायणा हॉस्पिटल के उन सेवकों का जिन्होंने ये सब कुछ प्रबंधक करके ये सब मुमकिन बनाया है उनका मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई थिंक विश्व इतिहास में ये एक धर्म और मानवीय मूल्यों अथवा आदर्शों और संस्कारों की को अपने जीवन अपने प्राणों की आहुति दे के गुरु साहब की जो ये योग है ये अमूल्य है और एक एक ऐसी उदाहरण शायद ही किसी और जगह मिलती हो। आज इस उत्सव पर मैं सब लोग जो यहाँ एकत्रित हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस खुशियों के सम्मेलन में जो आए हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बेनती करांगा डॉक्टर साहब न श्री गोपाल शर्मा जी वो भी आप जी निहाल करने। श्री वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु। सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ पाया हूँ और ग्रंथ साहब के दर्शन कर पाया। इसके लिए मैं सभी आयोजकों का बहुत धन्यवाद हूँ। डॉक्टर जे पी सिंह साहब ने जैसे कहा इतिहास में गुरु तेग बहादुर सिंह साहब जैसी कोई और शख्सियत ऐसी नहीं मिलती जिन्होंने इतना अपना त्याग दिया और न केवल त्याग दिया बल्कि 10वें गुरु श्री गोविंद साहब जी का माध्यम से उन्होंने अपना वंश आगे बढ़ाया और गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने चारों पुत्र भी वार दिए अपने पिताजी को भी वारा ऐसे संस्कार वो गुरु तेग बहादुर जी से ही ले पाए। तो जहाँ मैं बहुत अधिक तो नहीं जानता हूँ लेकिन इतना जानता हूँ कि जैसे पहले गुरु श्री नानक देव जी महाराज ने भक्ति से लोगों को सरोवर किया भक्ति का प्रतीक रहे गुरु गोविंद सिंह जी जैसे शक्ति का प्रतीक रहे जिनको हम लोग संत सिपाही भी जानते हैं शक्ति भी और साथ में ज्ञान भी उसी तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने अपने उनको बलिदान के प्रतीक में हम जानना चाहेंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश की तरक्की में जहाँ देश में बाकी दुर्बल सताए हुए लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे वो अपने आप में बड़ा इतिहास है और उसके लिए ये देश गुरु तेग बहादुर जी का बहुत बहुत ऋणी रहेगा हर युग में। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा वाहे गुरु जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी का। डॉक्टर साहब डॉक्टर गोपाल शर्मा जी ने दिलों दियाँ गहराइया तो श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का जो महान बलिदान है उस नाल सानू जोड़िया है। साढ़े जम्मू कश्मीर विच ही
जो 1675 विच कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी महाराज कोल गए सन, क्योंकि उस समय जिहड़ा देश का धर्म सी उह संकट विच सी ते कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही सी। तो कश्मीरी पंडित फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज कोल आनंदपुर साहब गए तक नानकी, तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया कि जो सनातन धर्म है इस संसार तो अलोप हो जाएगा, जो परिस्थितियां बन चुकिया हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो कि 9 साल के सी, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा कि आप बड़े गहन विचारों विचों चिंतन विचों की कारण है, तो उन्होंने कहा बेटे धर्म जिहड़ा देश का है वो खतरे में है। तो महाराज ने पूछा भी इसका कोई उपाय है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा एक उपाय है कि कोई महान आत्मा अगर बलिदान कर दे फिर देश का धर्म बच सकता है। तो गुरु महाराज जो कि 9 साल के सी, उन्होंने अपने पिताजी ने कहा कि महाराज आप जी तो बड़ा कौन हो सकता है, आप तो गुरु नानक की गद्दी पर विराजमान हो। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने फिर कश्मीरी पंडितों को कहा तुम जाके औरंगजेब को कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम को कबूल करते हैं अपने धर्म को छड़ देते हैं असं सारे ही इस्लाम में आ जावे। तो औरंगजेब ने फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कैद करके पिंजरे में पा के दिल्ली में अनेक तसीह दिते। उन्होंने जो 3 साथी से एक जिंदा जलाया गया, एक पानी में उबालिया गया, एक आरे नाल चीरिया गया कि गुरु तेग बहादुर जी डर जान, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत में प्रदान किया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फिर अपने कलम में लिखा तिलक दे जी राखा प्रगट कीता तीन रुपए कुली ने सा सारी मिलकर असि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपनी अकीदत अपनी श्रद्धा के समर्पण कर रहे हैं। साढ़े बहुत ही जम्मू कश्मीर के बुलारे जिन्होंने सुनने लिए सारे बहुत उत्सुक रहते हैं, सतकारी पाशाह हरमीत सिंह जी, मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि स्टेज पर आके जो गुरु जी महाराज जी का महान इतिहास है, जो उन्होंने महान जीवन है, उस नाल साथ सेवक में जोड़े गए। सारे बहुत ही सत्कारी हैं सरदार हरमीत सिंह जी, कथावाचक साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। वाहेगुरु वाहेगुरु साहिब जी, तेरे कावन कावन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी वर्णन साकू तू ठाकुर ऊच भगवान। मैं हरे हरे नाम तरसो जी पावै तू रख मर साहिब, मैं तो बिन अवरना को मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी मैं तो दिया गुरदास, मेरा होर थाओ नाही जिस पै करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ के पास। युगो युग अटल शब्द गुरु धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद विच जुड़ के बैठे अत सन्मान युग सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला सिबा वालों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाईए। कोई भी दसना वंजी ना रहे, एक बार कहते आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारे बहुत बहुत वधाई।
जो इस वक्त गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो पावन तिहाड़ा मेरे तो पहला सकत्र साहब दस रहे थे, संसार दे विच जिहड़े लोकी धर्म दे नाल जुड़े हुए और संसार दे विच कीती हुई लोकां दीयां कुरबानियां नूं चेते करन वाले लोकी जिहड़े ने जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे इस सुनहरे इतिहास नूं पढ़िया, वो चाहे दुनिया के किसी धर्म नाल भी संबंध क्यों ना रखने वाले हो, चाहे दुनिया के किसी इलाके दे विच भी क्यों रहन वाले होन, उन्होंने आपो अपने ढंग दे नाल आपो अपने थां गुरु तेग बहादुर महाराज जी के इस पावन प्रकाश दिहाड़े नूं बड़े चा दे नाल बनाया। आप जी दे विभाग जागे ने भी आप जी इस वक्त नारायणा होस्पिटल, मैं कहना कि जे रब रब है ना, वो रब भावें होर कि बंदे नूं चेती होवे ना होवे, पर दो थां इदां दी हुंदियां ने जिथे हर वक्त रब चेते आउंदा। तुसीं नोट करियो, एक बंदा जदों गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद के अंदर चला जाता ना, उन्हों परिवार च भावें रब चेते होवे ना होवे, पर उत्थे रब जरूर चेते आउंदा। किसी भी धर्म नाल संबंधित धार्मिक स्थान क्यों ना होवे। ते दूजे नंबर हुंदा होस्पिटल। होस्पिटल एक इहो जी जगह है जिहड़ा आदमी करे मंदिर मसीत च नहीं ना गया होवेगा, पर जदों होस्पिटल च आउंदा उहनूं रब कुदरती वल्लों मल्ली चेते आ जांदा। होस्पिटल थां ही किदां दी, जदों भी तुसीं कोई भयानक तुसीं डॉक्टर मेडिकली आदे नाल संबंधित हो, तुहाडा भावें रोज का पेशा, पर एक आम आदमी जदों होस्पिटल च आउंदा ना, कोई केस इदां दा वेखदा है उहदे मूँह चों मल्ली मल्ली रब का नाम निकल जांदा। सो ये जिहड़े स्थान ते तुसीं अज प्रोग्राम कर रहे हो, यह वैसे भी एक जिहड़ा पूजा का केंद्र हुंदा, ये वैसे भी एक धार्मिक स्थान है। होस्पिटल एक बहुत वड्डा धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान की एक स्कूल है जिस स्थान पर पढ़ाई की जाती है, रब नूं चेते किया जाता है। तुहाडे ते इत्थे हर एक आदमी आके रब नूं चेते करदा है, तो बड़ी जोरों शोर दे नाल बड़ी मेहनत करके आप जी ने प्रोग्राम बनाया। मैं कोशिश करांगा जो समा प्रबंधकों वालों लीकिया गया इस समय दे विच, क्योंकि इहदे विच सिख धर्म दे नाल दूजे धर्म नाल संबंधित भी लोग बैठे हुए ने, जरूरी नहीं है बई सारे जिहड़े ने वो साडी मात भाषा पंजाबी नूं समझदे होणे, पर मैं कोशिश करांगा बई जिहड़े हर एक दे चित दे विच गल आए गुरु तेग बहादुर, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच तुसीं जदों गुरु नानक साहब जां गुरु साहिबानां दा जीवन वृत्त पढ़िए ना, ते गुरु साहब जिस इलाके च गए ना उन्होंने जाके वेख्या भी उन्होंने लोगों की भाषा की है। हुण देखो ना, गुरु नानक साहब मक्के दे विच जांदे जी, ते मक्के दे विच पंजाबी समझण वाला कौन सी? इहदा मतलब गुरु साहब ने जे उत्थे जाके उन्हां लोगों नाल विचार कीती ते उन्हां दी भाषा दे विच कीती। हुण जगन्नाथपुरी दे विच गुरु नानक साहब जांदे, मैनूं नहीं लगता भी जगन्नाथपुरी ते अज भी कोई पंजाबी नूं समझदा होवे। गुरु साहब ने उन्हां दी भाषा दे विच गल कीती भी उन्हां लोगों नूं गल समझ आवे। जे गुरु नानक साहब ने 12 सालों के 48,000 तो वध किलोमीटर का सफर तय किया है, यह जरूरी नहीं है भी कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक इको ही भाषा है सारे की, पर धन गुरु नानक साहब महाराज नूं हर एक भाषा आउंदी। वो जदों कितें सनातन धर्म की गल करते उत्थे कहिंदे पीर पैगंबर साधु सालक साहे और शहीद, वो जदों सनातन धर्म के किसी बंदे नाल गल करते हैं उत्थे कहिंदे जाके कुल वेखा गौ बद कर रे मानिए शेख शहीद, उन्हां दी भाषा च गल करते, दुनिया के लोगों गल समझ आए। इस करके आप कोशिश करांगे भी रलमी जी गल करांगे जिहड़ी सारयां नूं समझ आए। सब तो पहला जिहड़ा सिख धर्म का, दुनिया के विच धर्म कोई माड़ा नहीं, ये हमारे दिमाग से एक चीज निकल जाए भी दुनिया में कोई धर्म माड़ा होता है, कोई दुनिया में ना धर्म माड़ा है तो ना ही किसी धर्म को उनके जो धार्मिक ग्रंथ है वो गलत है। दरअसल दुनिया में धर्म को चलाने वाले जो लोग हैं ना, जब चलाने वाले लोगों के जीवन में, उनके जीवन में जब बुराई आ जाती है ना, तो वो कलंक पूरे धर्म को लग जाता है, उससे पूरा धर्म। सिख धर्म में भी हो सकता है, उन धर्म तो गलत नहीं है, पर सिख धर्म के बीच अगर कोई मेरे जैसा आदमी गलत काम करे तो लेवल पूरे धर्म को लग जाता है। और आज जब हमने बात करनी है तो बात पूरी कहां घुमा फिरा के कहां आएगी, किस कारण गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत हुई? बात आएगी जी इस्लाम के दायरे में लेके जाना चाहते थे। इसका मतलब क्या इस्लाम धर्म गलत है दुनिया में? क्या इस्लाम धर्म है अच्छे आदमी नहीं? दरअसल इस्लाम धर्म गलत नहीं था। जो उस वक्त जो उस गद्दी पे बैठा हुआ था ना, बादशाह गलत था, वो बादशाह की सोच गलत थी। वो तो बदकिस्मती उस बादशाह का जन्म इस्लाम में हुआ था,
जिसके कारण आज भी लोगों के मनों में ये बना है, पता नहीं शायद इस्लाम के साथ कहीं गुरु तेग बहादुर महाराज की या सनातन धर्म वालों की इस्लाम के साथ कोई दुश्मनी थी। वो दरअसल उनके साथ दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी क्या थी भाई, उनको उस धर्म में जो आदमी पैदा हो गया, एक तो उस धर्म में पैदा हो गया, दूसरा इत्तफाकन बहुत बड़ी एक रुतबे पे बैठा हुआ है, बहुत बड़ी पदवी पे बैठा हुआ है, तो कुछ भी कर सकता है। और उसने जो किया उसका रिजल्ट ये निकला कि आज तकरीबन 350 साल बाद भी एक स्टिग्मा लग चुका है। जब भी बात चलती है कहीं, नहीं इस्लाम धर्म ने यह किया वो, नहीं धर्म नहीं गलत है। इसी तरह गुरु नानक साहब महाराज के आगमन से पहले, जदों गुरु नानक साहब इस धरती से आए उस वक्त, उस तो पहला का जिहड़ा उन्होंने जियोग्राफिकली वेखी रिलीजियस वेखी कि आज संसार में उस वक्त चेहरा कैसा था समाज का। गुरु नानक साहब महाराज के आगमन से आने से पहले इस संसार की जो दिशा है, भाई गुरदास जी अपनी वारां च लिखते हैं, बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसियाई। ध्यान धर की है, बड़ी ध्यान से गुरु नानक साहब ने देखा भी समस्या क्या है समाज में, क्यों लोग आपस में लड़ रहे हैं, भी सभी आपस को बोल रहे हैं हम धर्मी हैं, धर्मी फिर धर्म के नाम पे ही क्यों लड़ रहे हैं, जब सभी धर्मी हैं, धर्म जो है वो क्या क्या सिखाता है समाज में, धर्म समाज में सिर्फ प्यार सिखाता है। तो ये जो लोग धर्म का लिबास पहन के धर्मी बने, सबसे ज्यादा नफरत इन लोगों में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बीच में कोई सिस्टम ऐसा है, कोई यह कमजोरी जरूर समाज के विच है। तो भाई गुरदास जी कहते फिर जी कमजोरी वेखी ना, वह कमजोरी की सी, बाबा देखा ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दसियाई, भी सारे समाज में नफरत है, कारण बाजों गुरु गुबार है, जो चलाने वाले गुरु है ना उनके जीवन में कमजोरी है, बाजों गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई, संसार रो रहा है। अब गुरु ने क्या किया, गुरु कौन है, लीडर है जो जो जिस जिसको आगे रखा भाई आप यार धर्म को चलाओ, उसने पता क्या किया, उसने सबसे पहले इन राइटिंग में लिख दिया कि संसार का हर एक आदमी जो है ना उसका काम पहले से डिप्यूट किया जाएगा, एक आदमी अपना काम छोड़ के दूसरा काम नहीं कर सकता, वो डिप्यूट कर दिया उसका काम। गुरु ग्रंथ साहिब शब्द है, योग शब्दं ज्ञान, वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर, शूद्र शब्दं प्राकृत है, भी जिहड़ा धार्मिक ग्रंथ है ना, जो धार्मिक ग्रंथ है उसको केवल एक आदमी पढ़ेगा, धार्मिक ग्रंथ सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा था, ये चलाने वाले ने बोल दिया सिर्फ एक आदमी पढ़ेगा। खत्री शब्दं सूर, जो खत्री होगा ना, खत्री उसका काम है सिर मैदाने जंग में लड़ना, वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, जो लड़ने वाला वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, अगर वो ग्रंथ पढ़ेगा ना उसकी जबान काट दो, अगर सुनेगा सिक्का उसके कान में डाल दो। अब ये किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा था, मेरे जैसे चलाने वालों ने ये ठोक दिया समाज पे। खत्री शब्दं सूद, शूद्र शब्दं प्राकृत है, जो समाज में तीसरी श्रेणी होगी बिजनेस व्यापार करेगी शूद्र, वैश्य जो श्रेणी है, और जो चौथी श्रेणी है शूद्र शब्दं प्राकृत है, जिसकी जिसको समाज में बोल दिया जिसका काम छोटा है, कोई जूते बना रहा है उसको चमार बोल दिया नहीं इसका काम है दूसरों की सेवा करना। गुरु नानक साहब महाराज ने उस वक्त देखा भी समाज में एक आदमी दूसरे पे डिपेंड हो गया, एक आदमी ग्रंथ पढ़ रहा है, अगर उसके घर में कोई डाकू घुस के आ गया वो पहले किसी खत्री के घर जाता है, यार तू मेरी हिफाजत कर आके, फिर अगर उसी को कहीं अपने जूते बनाने वो किसी दूसरे पे डिपेंड हो गया। क्यों ना ये सभी चीजें एक ही आदमी के बीच में डाल दी जाए, एक ही आदमी के जीवन में अगर ये सारी चीजें आ जाए तो फिर वो कैसा इंसान होगा। पर गुरु साहब ने पता क्या किया उस वक्त, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, जरा सिख होगा ना सिख, वो सिख सवेरे उठ के पाठ करेगा, और जब सवेरे उठ के पाठ करेगा ना लोग कहेंगे पाठ करना ग्रंथ पढ़ने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने किसका काम था, ब्राह्मण का, सिख ब्राह्मण है। जब देश पे जब समाज पे जब परिवार पे कोई भी ऐसी स्थिति बनेगी ना वही सिख पाठ करके उसके बाद उठ के वो अपने हाथ में शमशीर लेके मैदाने जंग में चला जाएगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, जब खुद अपनी रक्षा करेगा ना तो दुनिया के लोग जो लोग हैं वो बोलेंगे सिख ब्राह्मण भी है सिख खत्री भी है, ये लड़ना भी जानता है, ये डिपेंड थोड़ा है किसी पे भी कोई आके मेरी हिफाजत करेगा। फिर उसी सिख को जब दिन में आपकी तरह हॉस्पिटल में काम करते लोग देखेंगे, दुकान पे काम करते देखेंगे, खेतीबाड़ी करते देखेंगे, दुनिया के लोग बोलेंगे नहीं ये काम किसका था, वैश्य का काम था,
नहीं, सिख ब्राह्मण भी है, सिख खत्री भी है, सिख वैश्य भी है। और वही सिख जब अभी गुरुद्वारे में पाठ करके यहां से जाएगा ना, आपने देखा होगा आपके जूते वो सामने नौजवान कर रहे हैं, जूते आपके वो उन्होंने जमा किए हुए हैं, और जब आप जाओगे ना वो साफ किए होते हैं, उधर से पॉलिश किए होते हैं। अब दुनिया क्या बोलती थी, ये काम किसका है, बोलते थे ये काम है शूद्र का। गुरु साहब ने कहा अगर धर्म सीखना ना तो शूद्र वाला काम भी करना पड़ेगा। क्यों शूद्र जूते साफ करेगा, तू नहीं कर सकता, तू ब्राह्मण है, तू पाठ कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं तू पाठ कर उसके बाद जूते भी साफ कर, तेरे अंदर से ये जो नफरत है ना, नफरत ये निकल जाएगी। दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है ये, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है किसी के पांव को हाथ लगाना, कोई सौखी आम बात नहीं है। पर क्या कमाल का गुरु पातशाह ने सिख तैयार किया, और ये केवल सिख के लिए नहीं था, दुनिया के हर एक आदमी के लिए। जो गुरुद्वारे में आके पाठ कर रहा है उसके लिए एक फर्ज और भी है, तूने जूते भी साफ करने। फिर जब ये जूते साफ करने वाला भी एक बन गया, फिर दुनिया के लोगों ने पता क्या बोला, उन्होंने बोला सिख ब्राह्मण नहीं है, सिख खत्री नहीं है, सिख वैश्य नहीं है, सिख शूद्र नहीं है, बल्कि सिख दुनिया का एक कंप्लीट आदमी है। ये एक वो कंप्लीट संपूर्ण आदमी है जो बाणी पढ़ना भी जानता है, जो बाणी पढ़ना भी जानता है, जो सेवा करना भी जानता है, मैदान जंग में मरना भी जानता है। अब नेचुरली बात है, कितने कमाल का सिद्धांत था, जो काम चार आदमी कर रहे थे गुरु साहब ने एक आदमी को दे दिया। एक ही आदमी के जीवन में ये चारों चीजें होंगी। अब कुदरती बात है, जब ये चीजें आई, अब ये दुनिया तक मैसेज पहुंचाना था, दुनिया के कोने कोने में ये मैसेज पहुंचाने के लिए गुरु नानक साहब ने बड़ी एक स्ट्रगल की। 12 साल अपने जीवन के दुनिया के कोने कोने में धार्मिक स्थानों पे गए, जहां चोर डाकू उन लोगों के पास गए, और गुरु नानक साहब ने उत्थे जाके उन्हां लोगों के नाल जदों विचारां कीतियां, धर्म दस्या दुनिया च धर्म की हुंदा है, क्या दुनिया में सिर्फ यही धर्म है भी सुबह अपने धार्मिक स्थान पे गए उसकी पूजा करके वापस आ गए यही धर्म है। गुरु साहब ने कहा यह धर्म नहीं है, ये जो धार्मिक स्थान है ना, ये गुरुद्वारा, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये पूजा का स्थान नहीं है, और भगवान कहीं ना इस्लाम मानता है ना से कोई धर्म नहीं मानता कि भगवान उसके अंदर बैठा हुआ है, ये एक स्कूल है, यहां हमने सिर्फ सीखने के लिए जाना है। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में धर्म सीखना है, और करना कहां पे है, समाज में, विच दुनिया सेब कमाई है दरगह वैसन पाइए। अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हो तो सारी जिंदगी थोड़ा पढ़ते हो, 10-12-15 साल आपने वहां स्टडी की, उसके बाद जाके आपने हॉस्पिटल में काम किया, सेवा की। इसी तरह धार्मिक स्थान है, गुरु साहब ने कहा यहां पे आके आपने पढ़ना है, उसके बाद ये जो वर्क है ना ये समाज में करना है। जब तो गुरु नानक साहब का सुनहरी सिद्धांत गया, इन्ना सुनहरी सिद्धांत जो लोगों के कोने कोने पहुंचे ना, बड़ी तादाद दे विच लोकी गुरु नानक साहब महाराज दे इस उपदेश नूं मनन वास्ते, 3 करोड़ आदमी गुरु नानक साहब के फॉलोअर 3 करोड़ थे, हुण जदों 3 करोड़ आ गए तो दुनिया में जो धर्म है, धर्म क्या है, प्यार सिखाता ना धर्म, लेकिन जिसके अंदर ना हो, जिसके अंदर धर्म ना हो, उसको लगता है शायद पता नहीं इससे मेरी पावर कम होगी, शायद पता नहीं इससे मेरे लोग उधर चले जाएंगे, पता नहीं मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। संसार में फिर इसकी विरोधता शुरू हो गई, गुरु नानक साहब के सुनहरी सिद्धांत जिहड़े सी उहदी विरोधता शुरू हुई, भी क्या कमाल के सिद्धांत ने। जदों विरोधता शुरू हुई उह फिर विरोधता पहुंची गुरु अर्जन साहब के रूप के विच, गुरु अर्जन साहब महाराज को छोटी छोटी बातों पर एलीगेशन लगा के दिल्ली आवा लाहौर तत्ती तवी पर बिठा के शहीद कर दिया। ऐसे ही समा तेजी से जब चलता रहा जो मैन हमारा टॉपिक है, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का समा आ गया। अब इत्फाकन जब गुरु तेग बहादुर महाराज जी का समय था ना, उससे पहले जो हिंदुस्तान में दिल्ली के तख्त पर जो राजे बैठते थे उसमें अकबर बैठा, बड़ी लिबरल पॉलिसी थी उसकी, अकबर की, उसके बाद उसका बेटा बैठता है जहांगीर शाहजहां, पर जब औरंगजेब गद्दी पे बैठता है ना, जो मैन कारण था, जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा तो गद्दी पे बैठने के लिए उसने सबसे पहले पता क्या काम किया, उसने गद्दी पे बैठ के सबसे पहले अपने बाप को कैद किया। आज भी कहीं आगरा जाओ ना, आगरा जो ताजमहल है, ताजमहल के बिल्कुल सामने एक किला है, उसका नाम है सलीमगढ़ का किला। औरंगजेब ने सबसे पहले अपने बाप को उस किले में कैद करके दुनिया में इस बात को फैला दिया,
कि मेरा बाप जो है वो मर गया और मुझे इस गद्दी पे बिठा गया। और जिस दिन ईद थी ना, ईद वाले दिन जो मुसलमान भाई हैं वो दुश्मन को भी अपने गले में लगाते हैं, और उसने ईद वाले दिन अपने बड़े भाई का दारसको का सर काट के ना तो अपने बाप को थाली में रख के बैठ किए, और दुनिया में इतना ज्यादा पाप किया। अब इस्लाम धर्म इजाजत नहीं देता, ये इस्लाम के रूल रेगुलेशन नहीं है। तालीम जोर की कहीं कुरान में नहीं, कहीं कुरान में नहीं लिखा, लेकिन जब इस ढंग से उसने इतना पाप किया संसार में तो रिजल्ट ये निकला कि इस्लाम की पूरी दुनिया में जितने जहां यहां तक इस्लाम था वहां पे उसकी छवि एकदम डाउन हो गई। उसकी छवि इतनी जो कमजोर बन गई, वो दिल्ली का बादशाह है लेकिन वो घर से बाहर निकलता उसको को पूछ के राजी नहीं, को बुला के राजी नहीं। जब उसने देखा भी मैं बादशाह हूं, दिल्ली के तख्त पे बैठा हूं और मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा, तो उस वक्त उसने क्या किया, जितने भी धार्मिक लोग थे उनको सभी को बुलाया, भाई यार मेरी तो इमेज ही बड़ी डाउन हो चुकी है, कोई ऐसा काम करो मेरी समाज में इमेज बन जाए, दुनिया के लोग जो है ना मेरी जय जयकार करें। अब नेचुरली होता है, हम पता है क्या सोचते हैं, ज्यादा आदमी इकट्ठे हो जाए ना, जिसके आदमी ज्यादा हो जाए वो धर्म दुनिया में सबसे बड़ा हो जाता है। आदमी ज्यादा, गिनती ज्यादा होने से धर्म बड़ा नहीं हो जाता। धर्म एक जो है ना वो एक समझ लो आप एक रास्ता है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए। अब उसके दिमाग में था भी जब स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी शायद बड़े हो जाएंगे। उस वक्त उसने उन सभी लोगों से मिलकर जो बात की भी किस ढंग से हमारी इमेज बने समाज में, उन्होंने कहा भी एक ही तरीका है, क्योंकि कट्टर लोग थे, उनके अंदर धर्म नहीं था, उन्होंने सिर्फ बाहर धर्म का लिबास डाला हुआ था। और जिन लोगों के अंदर धर्म नहीं ना हो, अगर वो लोग बाहर धर्म का लिबास डाल दें, वो दुनिया के सबसे खतरनाक लोग होते हैं, वो देश को खत्म कर जाते हैं, समाज को खत्म कर जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर धर्म है, बाहर धर्म का लिबास है ना, वो समाज में बड़े लोगों का पार उतारा कर जाते हैं। औरंगजेब ने उस वक्त जो लोग चुने ना, उन्होंने फिर फैसला किया भी एक ही ढंग हो सकता है, अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम सारे धर्म ही खत्म कर दें, एक ही धर्म अगर रहे दुनिया में, तो नेचुरली बात है जब धर्म ही एक होगा, बादशाह ही एक होगा, तो आपकी नेचुरली जय जयकार। 1669 का एक आर्डर है, रॉयल आर्डर, दिल्ली औरंगजेब के दरबार से निकलता है, जिसका नाम था डिस्ट्रॉय द ऑल हिंदू टेम्पल, सबसे पहला, क्योंकि हिंदुस्तान की इस पाक जमीन में दो ही उस वक्त बड़े धर्म थे, हिंदू और इस्लाम, ऐसे छोटे छोटे 306 मज़हब में, लेकिन सबसे बड़े दो थे। ये रॉयल आर्डर निकलता है, ये कहीं कोई खुदाई पैगाम नहीं था, लेकिन एक बादशाह के दरबार से निकलता है, और उसको लागू करने के लिए सबसे पहले कश्मीर क्यों चुना जाता है। कश्मीर नंबर वन जो है ये हिंदुस्तान का सर है, ताज है। दूसरा नंबर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रीचर प्रचार करने के लिए सनातन धर्म की जो है शिक्षा देने के लिए देश के कोने कोने में जाते हैं वो कश्मीर से जा रहे थे। एक बहुत बड़ा हाब थी ये सनातन धर्म की, उन्होंने उसको सबसे पहले चुना भी क्यों ना कश्मीर से इस बात को शुरू किया जाए, भी कश्मीर से ही हम इसको शुरू करते हैं। इफ्तियार खान नाम के एक गवर्नर को लगाया गया कश्मीर, और कश्मीर की धरती से उस वक्त हर रोज जो पुरातन उन दस्तावेजों में अंकित है भी सवा सवा मन जनेऊ जो धार्मिक चिन्ह है, सिख धर्म का कृपान है, इस्लाम में सुन्नत की जाती है, सनातन में जो जनेऊ डाला जाता है, ये उतारे जाने लगे। उस वक्त पूरे कश्मीर में जब हर रोज इतना ज्यादा कतलेआम होने लगा, तो एक मीटिंग होती है अमरनाथ पर बैठ के, अमरनाथ पर बैठ के एक मीटिंग होती है जितने भी कश्मीर के कश्मीरी पंडित थे, भी अब कोई और है ही नहीं है चारा, तो किस ढंग से कैसे किया जाए, अपना धर्म कैसे बचाया जाए, अगर हर रोज ऐसे ही हमारे जनेऊ उतरते रहे, अगर हर रोज ऐसे ही हमारे धर्म के लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाने लगे तो एकदम सफाया हो जाएगा यहां। उस वक्त उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया भाई पूरे कश्मीर में ना, एक जो मटन के इलाके में एक सिख परिवार रहता था, जम्मू कश्मीर में जो सबसे पहले सिख बना ना उसका नाम था पंडित ब्रह्मदत्त, ये जम्मू कश्मीर की धरती का सबसे पहला सिख है, इसकी गुरु नानक साहब के साथ डिबेट होती है मटन में, ये गुरु नानक साहब का सिख बनता है, इसका बेटा अड़ू दत्त, उसका बेटा लक्ष्मी दत्त, ये सारे मिलके जो है ना उस कृपा दत्त के घर जाते हैं, और उसके घर जाके उससे बात करते हैं, भाई ऐसे हमारा धर्म संकट में है, अगर आप कुछ ऐसा कीजिए
भी हमारा जनेऊ जो है ना इस वक्त गिर रहा है, हर रोज सैकड़ों की तादाद में जनेऊ तारे जा रहे। अगर आप कुछ कोशिश करके गुरु तेग बहादुर दिल्ली आनंदपुर साहब में जो हैं उनके साथ आपके अच्छे तालुकात हैं, आप हमारे धर्म की कुछ ही रक्षा करवाएं। पंडित कृपा दत्त अलग अलग 16 जो विद्वान थे सनातन धर्म के उनको लेके पहुंचता है आनंदपुर साहब, और आनंदपुर साहब उस वक्त गुरु तेग बहादुर महाराज इनसे मुलाकात होती, और गुरु तेग बहादुर महाराज जो है ना इनका सारा जीवन जो है त्याग भरा था। इनके जीवन की एक बड़ी छोटी सी घटना मिलती है, जब ये अभी 4-5 साल के थे ना, 4-5 साल के थे तो इनके बड़े भाई की शादी थी, तो सभी जब तैयार हुए ना शादी में जाने के लिए इनको भी तैयार किया गया। जब इनको भी तैयार किया गया तो ये घर से निकले बाहर, देखते हैं बाहर गली में ना एक बच्चा है छोटा, उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है। ये उसको बोलते हैं भाई तेरे कपड़े कहाँ हैं, वो बोलता है मैं गरीब हूं मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं। इन्होंने अपने कपड़े उतार के इसको दे दिए, वापस आ गए घर। माँ पूछती है कपड़े, बाप पूछता बेटा कपड़े, इन्होंने एक ही बात बोली, बोली पिताजी मुझे किसी मेरे से किसी का नंगेज नहीं देखा जाता, किसी के तन पे कपड़े ना हो ये मेरे से देखा नहीं जाता, उम्र 5 वक्त है अभी 5 साल के हैं। और पिता पता क्या बोलते हैं, बोलते हैं बेटा आज किसी का नंगेज ढकने के लिए तूने तन के कपड़े दिए ना, कल किसी का नंगेज ढकने के लिए अगर तुझे तन भी देना पड़ेगा तो तन देने से भी इनकार नहीं करेगा। क्या हो रहा था कश्मीर में, वहां की बच्चियों का जो नंगेज है उनको उनके कपड़े उतारे जा रहे थे। तो जब गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने ये सुना ना भी हम मंदिर में हमारा दीवा जो है वो बुझ रहा है कश्मीर की धरती में, तो गुरु तेग बहादुर ने बड़े कमाल की बात कही, बच्चियों घर ही जाओ, सिर दे के शीश बचावांगा मैं, हिंदू धर्म के बुझ दे दीवे विच खून अपने लहू दा पावांगा मैं, पाया खून अपने लहू दा तावी भारत भरसदा बाद मचदा है, हिंदू धर्म के मंदिर अंदर जग दे दीवे अंदर खून अज भी गुरु तेग बहादुर का मचदा, अपना तेल पावांगा। गुरु तेग बहादुर महाराज ने और कितनी वड्डी कुर्बानी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज 9 साल उम्र है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की 9 साल की उम्र है, और अपने पिता जी पुछते हैं कहते पिता जी ये लोग कौन ने जो साढ़े घर आए ने, तो बाप कहता कहता बेटा ये जड़े ने ना कश्मीर तो आए ने, कश्मीरी पंडित ने, क्यों आए ने साढ़े घर, कहते इन्हों का धर्म खतरे च है, इन्हों के मासूम बच्चों के सिरों तो बाप का साया खोया जा रहा है। पिता गुरु तेग बहादुर महाराज गोबिंद राय कहें कहते ने बापू कोई इलाज नहीं है भी इन्हों के बच्चे जतीम होने तो बच जाए, कोई ऐसा इलाज करें भी हिंदुस्तान के हिंदू बच्चे जतीम होने से बच जाए, कोई इलाज नहीं है। पिता गुरु तेग बहादुर बोलते हैं, बोलते बेटा इलाज है, इलाज एक है, जे कुल हिंदुस्तान के हिंदुओं जतीम होने तो बचाना है ना वो जरूरी है किसी होर जतीम होना पाएगा, अगर इन बच्चों के सर से बाप का साया उजड़ने से बचाना ना किसी को अपना बाप देना पड़ेगा, और 9 साल की उम्र है, 9 साल की उम्र में अपने बाप को बोलते हैं कहते पिताजी दुनिया के जे किसी एक दे जतीम होने दे नाल पूरा हिंदुस्तान जतीम होने तो बच सकता है तो वह एक कोई होर नहीं होना चाहिए, वो एक मैं होना चाहिए, मैं आप जतीम होने वास्ते तैयार हूं। इस करके तुसी दिल्ली चले जाओ, सतगुरु दुखियां ताही हदूर बना देवो, बड़ा केड़ा बाप जहान ते तुसां तो बेशक मैनू जतीम बना देवो, मेरे एक जतीम होने दे बदले दाता लखां हिंदू जतीम छुड़ा देवो, हिंदू धर्म दे बुझ दे दीवे नूं सतगुरु सचे पातशाह ने दे के शीश किनारे ला देवो। और सतगुरु सचे पातशाह ने उस वक्त जिहड़ी कुरबानी कीती है ना उहदे बारे एक कवि लिखदा है, कहिंदा बेबस आए कश्मीरी पंडतां दी, बेबस आए कश्मीरी पंडतां दी बांह फड़ी ते फड़ी गोबिंद सिंह ने, उम्र भर दी जतीमी बेगानियां लई मथे अपने मड़ी गोबिंद सिंह ने। दुनिया जतीम हो रही थी, दुनिया की अगर ह्यूमन राइट की बात करनी है इससे बढ़िया एग्जाम्पल ही आपके पास नहीं है। खतरा किसी धर्म को है, दुनिया कोई मर रही है, जतीम कोई हो रहा है, और इकलौता बेटा है जिसने अपने बाप को जन्म के 3.5 साल बाद देखा, और आज जब बाप से बात हो रही है ना बेटे की उम्र 9 साल है, और बेटा पता क्या कह रहा है, बोला सतगुरु सचे पातशाह तुसी चले जाओ मैं जतीम हो जावा। इसे करके कवि लिखता है कहता दो पुत्र सरहद ते बारे दो चमकौर दी गढ़ी गोबिंद सिंह ने, किस्मत अपनी दाते ला के किस्मत देश की घड़ी गोबिंद सिंह ने। और गुरु तेग बहादुर महाराज उस वक्त दिल्ली वाले पासे जाते हैं, हुण दिल्ली दे विच जांदिया कोई यह नहीं है भी दिल्ली दिल्ली पहुंचते हुए गुरु तेग बहादुर महाराज को पकड़ा और उनको उधर शहीद कर दिया, नहीं, एक एग्रीमेंट हुआ दिल्ली में
वो आपके पास आज भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन राइटिंग में लिखा है, जो औरंगजेब के साथ एग्रीमेंट हुआ है दिल्ली में गुरु तेग बहादुर का, आज भी आपकी जो 42 अमेंडमेंट है उसकी 14 से लेकर 18 तक जो आपकी सेक्शन है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजियस, हर एक नु धर्म की आजादी हो, दिल्ली दरबार के औरंगजेब के नाल एग्रीमेंट होया, जो दिल्ली के जाके इन्हों की आपस एग्रीमेंट हुए ने, उत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज के सामने एक गल रखी गई कि तुसी कौन, उन्होंने कहा मैं कुल हिंदुस्तान के हिंदुओं का नुमाइंदा बन के आया, कुल हिंदुस्तान के हिंदुओं ने मैनू अपना नुमाइंदा बना के भेजे, जिहड़ा फैसला अज मैं करांगा कुल हिंदुस्तान का हिंदू मनेगा, तो जिहड़ा फैसला मैं चाहे उन्होंने हक च करांगा जां हक के बाहर करा वह मनन वास्ते तैयार ने। तो उन्होंने कहा भी यह हुण इन राइटिंग दे विच होवेगा, राइटिंग दे विच होया, उहदे विच गुरु तेग बहादुर महाराज के सामने एक ऑप्शन सी कि जे तुसी अपना धर्म छड्ड के, क्योंकि कारण की सी, गुरु तेग बहादुर नूं हिंदू नहीं सी बनाना, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू नूं बनाना सी, पर उन्होंने सामने कौन सी लीडर, कौन सी गुरु तेग बहादुर, अगर पूरे हिंदुस्तान में एक ही धर्म रखना है तो उसके लिए जरूरी है गुरु तेग बहादुर महाराज को हिंदू धर्म में इस्लाम धर्म के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर महाराज जे तुसी अपना धर्म छड्ड के इस्लाम के दायरे च आते हो तो तुहानू संसार के सारे सुख जो कहो तुहानू मुहैया कराए जाएंगे, तो अगर तुसी अपना धर्म नहीं छड्डदे तो तुहानू दिल्ली दे विच जिहड़ा ना इत्थे तलवार के एक ही वार दे नाल तुहाडा सिर कलम कर दिता जाएगा। हुण गुरु तेग बहादुर महाराज की इहदे नाल एक्शन की है, गुरु तेग बहादुर महाराज कहते फिर मैनू भी एक चीज लिख के दिओ, मैं लिख के दिना भी जे तुसी मेरा धर्म परिवर्तन करता तो कुल हिंदुस्तान का हिंदू अपना धर्म बदलेगा, पर जे तुसी मैनू अपना धर्म के विचों डुला ना सके तो तुसी भी लिख के दिओ अज तो बाद इस धरती ते धर्म के नाम उत्ते धक्का कोई नहीं होगा, कोई कितने नगर कीर्तन कढ़े, कोई कितने मुहर्रम के जलूस कढ़े, कोई कितने झांकियां कढ़े, धर्म के नाम से, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजियस, हर एक धर्म की आजादी होगी, उत्थे एग्रीमेंट हुंदा और उस तो बाद वो दो शुरू हुंदा तसीयां दा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी को डुलाना, गुरु तेग बहादुर महाराज जी को मारना मनसू उनका यो टारगेट नहीं था, वो मारना नहीं चाहते थे, बेसिकली जो टारगेट था गुरु तेग बहादुर महाराज जी को झुकाना, उनको झुका के इस्लाम के दायरे में लाना। और मैं फिर ये बात दोहरा दूंगा, आप में बहुत सारे इस्लाम के लोग बैठे होंगे, ये इस्लाम की फिलॉसफी नहीं थी, ये एक बादशाह की नीति थी, औरंगजेब एक बादशाह था, ये उसकी नीति थी, और उसने कह दिया भी गुरु तेग बहादुर महाराज को झुकाओ, जिन्हें भी तुहाडे कोल हीले वसीले हो सकते हैं डराओ, गुरु तेग बहादुर झुक जाए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के नाल तीन गुरसिख गए हुए थे, तीन आदमी थे गुरु तेग बहादुर महाराज जी के नाल, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी। अब नैचुरली बात है, सबसे पहले उनके ऊपर तशद्दुद शुरू हुआ। आज भी आप दिल्ली जाओ, चांदनी चौक में गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के बिल्कुल सामने एक चौक पे एक पानी का बहुत बड़ा एक फाउंटेन लगा हुआ है वहां फुवारा। इस जगह पे तीनों को इकट्ठा किया, सबसे पहले भाई मतीदास जी की वारी आई। हुण मतीदास जी नाल गल्लां हुंदियां ने, भाई मतीदास जी नूं पुछिया जांदा है, कहिंदे मतीदास आ जिहड़ा बंदा सामने है कौन है, गुरु तेग बहादुर महाराज सकत्तर साहब दस रहे सी पिंजरे के बीच कह दे। तीन दिन तक गुरु तेग बहादुर महाराज जी को एक पिंजरे के बीच रखा, वो पिंजरा कैसा था, उसके नीचे भी ना बड़ी शार्प शार्प जो है सूए लगे थे, ऊपर भी, उसमें ना आदमी खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है, तसीए। पर भाई मतीदास जी को पूछा जाता भी आ जिहड़ा पिंजरे च कौन है, तो भाई मतीदास जी का जवाब है मेरा मुर्शिद धन गुरु तेग बहादुर महाराज। वह कहते भी जे तू अपने मुर्शिद की गल मननी है तो फिर तो तेन तसीए दे के शहीद किया जाएगा, तो जे मुर्शिद की गल ना मन के साडी गल मन के अपना धर्म छड्ड के साडे धर्म के दायरे च आ जाए तेन संसार के सारे सुख दिते जाएंगे, सारे सुख मुहैया कराए जाएंगे संसार के। भाई मतीदास जी ने ना बड़े कमाल की एक गल कही, वो कहते मेरे सामने तुसी दो ऑप्शन रखे ने, एक ऑप्शन है संसार के सुख, दूजा ऑप्शन तुसी मेरे सामने रखे है आरे दे दंदे आरी। कहते मैं तुहाडे सवाल का जवाब तो दे सकता जे मैं दोनों के बारे जानता हूं। देखो ना किसी आदमी के सामने दो प्रकार की कोई सब्जी रख दी जाए, उसको बोलो भाई तुझे कौन सी पसंद है, अगर उसने दोनों पहले खाई होगी तो बता सकता है मुझे कौन पसंद है, अगर उसने खाई नहीं पहले वो बोलेगा पहले टेस्ट करूंगा बाद में बताऊंगा। अब भाई मतीदास जी के सामने ऑप्शन है भी एक तरफ संसार के सुख है, दूसरे तरफ ये आ रहा
बोल दोनों में से तुझे कौन पसंद है? तो भाई मतीदास जी का जवाब सी, कहते सच जानी जो तेरा पहला ऑप्शन है ना उन्होंने मैं जानता हूं, जो पहले तूने बोला ना संसार के सुख उसके बारे में मैं जानता हूं, पर ये जेडे आरे दे दंदिया दे स्वाद ने ना ए बारे मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा है। तुसी एक काम करो, पहला मैं माड़ा जा स्वाद चखाओ आरे दे दंदिया, मैं स्वाद चख के दसना चाहना। और पुरातन स्रोतों च लिखा भाई मतीदास जी के सिर के उ आरा रखा गया, आरी तीन दिन चार दिन आपने बाल दोए हो ना, कुछ पे तेल ना लगाओ, जब उसको कंघा करते हैं देखा कैसे कितनी मुश्किल हो जाती है, जिसके सर पे आ रहा है और भाई मतीदास जी के सिर पर आ रहा है, और जो आरा खिंचया गया ना दो उंगलों पुरातन स्रोतों च लिखा भाई मतीदास जी के सिर के आरा गया, जो आरा सर दे विच गया ना यह दिल्ली चांदनी चौक के खड़े होके हो रही है गल, भाई मतीदास जी के सिर के जो आरा गया ना तो खून दी धारा निकलियां जलाद लथ पथ, भाई मतीदास जी लथ पथ, और भाई मतीदास जी ने हथ खड़े करते, जो भाई मतीदास जी के हथ खड़े हुए ना जलाद खुश होया, उन्हें कहा भी शुक्र है कि एक सिख ते डोलिया, भाई हाथ खड़े देख के उसने बोला भी एक तो जो है अपने टारगेट से जो है थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। भाई मतीदास जी ने जो हथ खड़े किए ना तो जलाद एक गल कहता, कहना मतीदास साहब वेखे मौत कि खतरनाक होंगी है, अजे तो असी तेरे दो टोटे करने ने, अजे तो माड़ा जहा आरा चलाया तेरे ते दो टोटे करने, अजे असी माड़ा जहा आरा चलाया ते तेरे हथ खड़े हो गए ने, वेख्या मौत कि खतरनाक होंगी है। तो भाई मतीदास जी का जवाब से कहते नहीं जलादा, मौत मेरे सिर ते है, होश तेरे गुम हो गए ने, मैं तेरे आरे के दंदिया को डर के हथ नहीं खड़े किए, मैं तेरे सवाल का जवाब देने वास्ते हथ खड़े किए ने। तू ये गल कही सी ना कि इन्होंने दोनों के विचों दस मैनू भी किहड़ा तेनू पसंद है, तो मैं तेनू कहा मैं स्वाद चख के दसांगा, मैं तेरे सवाल का तेनू जवाब दे रही, ये जिहड़े दुनिया के सुख ने ना ये बड़े दिन जिंदगी दे विच हंडाए ने, ऐशो इशरत बड़े जिंदगी च वेखे ने, पर जिहड़ा सुख अज मैनू मिल रहा ना इहो जिहा दुनिया च कदे नहीं मिलिया, मेरे सिर के उत्ते आरा होवे और मेरा मुर्शिद धन गुरु तेग बहादुर मेरी अखां दे सामने होवे, इहो जिहा सुख ही दुनिया दे विच कदे नहीं मिल सकदा। बोले सोनिहाल, मेरे सर के ऊपर आरा हो और मेरे सामने मेरा मुर्शिद गुरु तेग बहादुर बैठा हो, इसके आगे दुनिया के जितने भी सुख हैं सारे खत्म हैं। और जब वो आरा चलता है ना फिर वो कवि लिखता है बड़े कमाल दी लाइना ने, कहता दो उंगलां सिर ते जद आरे पाया चीर, मतीदास जी बोले सुन काजी बन धीर, रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम फसिया आप, आरा मैनू भावद है धर्म छोड़ना पाप, टुकड़े टुकड़े इस शरीर दे जे कर दे लख करोड़, ता भी धर्म ना छड़ सा तेरे दीन दी नहीं लोड़, आरा प्यारा करदा है करा करे बुझाए, ओए सिर जावे ता जाए मेरा सिखी सिद्ध ना जाए। और काजी हैरान होके एक सवाल फिर पूछदा, कहता बड़ा विश्वास है बड़ी दृढ़ता है इनू अपने धर्म ते, काजी एक गल पुछदा कहता मतीदास जदों कोई आदमी मरण वाला हुंदा उहदी आखरी इच्छा पूछी जांदी है, फांसी फांसी पे भी कोई लटकाया जाए ना जलाद पूछता भी क्या तेरी आखिरी इच्छा, कोई आखिरी ख्वाहिश तेरी, अब भाई मतीदास जी से पूछा जा रहा है आखिरी ख्वाहिश, काजी आखदा दस होए मतीदासा तेरी आखिरी इच्छा हल होवे, जो तू चाहना है वह तू पा सकदा है वह हाजरी ऐसे पल होवे, अगों हस के आख्या मतीदास मेरी यह इच्छा हल होवे, वह शीश मेरे ते चले जदों आरा मेरा मूंह गुरु पिंजरे वल होवे, जब मेरे सर पे आरा चलाओ ना मेरा चेहरा जाओ गुरु तेग बहादुर के सामने हो, मैं अपने मुर्शद के दर्शन करते करते उसका चेहरा देखते देखते संसार से जाना चाहता हूं। कितनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में, किसी गैर आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा है और एक आदमी दिल्ली चांदनी चौक पे अपना सर के ऊपर आरा रख के उसको कटवा रहा है। लाल किले पे सिकंदर साहब बोल रहे थे ना गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी पूर्व लाल किले में बनाया गया, क्यों ना बनाया जाए, क्यों ना बनाया जाए, उसके ऊपर जो तिरंगा है ना तिरंगा, इस तिरंगे के नीचे ये सर लगे हुए हैं, उस लाल किले के सामने गुरु तेग बहादुर महाराज उसके ये शिष्य, उसने अपना शरीर दो हिस्सों में कटवा दिया, इस देश का तिरंगा झूलता रहे, इसमें हर एक धर्म जो है वो आजाद रहे, हिंदू जो है जनेऊ डाले उसके मंदिर में दीवा जो है वो जलता रहे, इस्लाम जो है उस इस्लाम धर्म का वीर नवाज पढ़ता रह गया, अगर नवाज नहीं पढ़ता तो उसको गुरु ग्रंथ साहब में उसके लिए भी लिखा है फरीदा बेनवाजा कुत्तिया इना भली रीत कभी चल ना आया पंचा भक्त मसीद, तो कौन सा मुसलमान है जो पांच भक्त नवाज नहीं पढ़ता,
उठ फरीदा उजू साज सुबह नवाज गुजार जो सर साई ना नबे सो सिर का पुतवार। तो मुसलमान अगर नवाज ही नहीं पढ़ता इस शीश को काट के फेंक दे, क्या करेगा उस सिर को, वो तो जानवरों की तरह। भाई मती दास जी के सिर ते आरा चलता है, दो टुकड़े होके भाई मती दास जी धरती से डिगते हैं। समा भाई सती दास जी का आंदा, भाई सती दास जी के सामने है, कहते तुहानू फड़ के रूह काटन पूरे शरीर के विच काटन के विच लपेट के रूह के विच लपेट के अग लगा के साड़ देंगे, क्योंकि काटन एक ऐसी चीज है बहुत जल्दी आग पकड़ता है। पहले आदमी 200 में काट के धरती में फेंक दिया, भाई सतीदास जी के पूरे शरीर के उत्ते रूह बन के, और गुरु तेग बहादुर महाराज देख रहे ने, खुश हो रहे ने, कहते सिखो जिहड़ी पढ़ाई मैं शुरू कराई सी अज तुसी चंगे नंबर लैके पास हो रहे हो, मैं यही पढ़ाई करवाई सी। जिहड़े छेवें रूप में तेरे हाथ में कृपान दी थी ना, कृपान ये सिख के पास जो कृपान है ना, ये किसी को मारने के लिए नहीं है, ये इसलिए है अगर तेरे पास तेरे पड़ोसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है ना तो उसके लिए भी निकाले, उसकी हिफाजत के लिए भी तेरी कृपान निकले। पै काहू को देत न पै मान तान, डरना नहीं किसी को। और एक बार याद रखना, दुनिया में तेरा कोई दुश्मन नहीं है, सिख का कोई दुश्मन नहीं है, कोई सोचे कोई इस्लाम वाल कोई हिंदू कोई नहीं, बड़े कमाल की बुलाई ने, वैरी कोई ना इस दा जग अंदर करता सरबत दे भले दी मंग है। सुबह शाम गुरुद्वारे में अरदास होती है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, दुनिया का भला हो, वैरी कोई ना इस दा जग अंदर करता सरबत दे भले दी मंग है। सब नू प्यार ते अमन सिखांदा है, वैर इस दा जुल्म दे नाल है, जुल्म कहीं भी होगा किसी प्रकार का भी होगा सिख उसका दुश्मन है। वैर इस दा जुल्म दे नाल है, मजलूम दी राखी खातर तेग उठांदा है, दीन दुखियां ते नाथां लई घर आवे वैरी उहनूं भी प्यार नाल सिखांदा है। आ वेखो सरबत दे भले दी तड़प किन्नी कि तड़पदे हुए वैरी नूं भी पानी पिलांदा है। हुआ अज तक कहीं दो सके भाई लड़ रहे हो ना, सके भाई एक घायल होके धरती पे गिर जाए दूसरा भाई उसके मुंह में पानी नहीं डालता, मैं तो उसके साथ लड़ रहा था। पर गुरु पातशाह ने किदां दा पंथ साजिया, मैदाने जंग में अगर कोई जख्मी होके गिर जाता ना तो एक महाराज ने पीछे रखा हुआ है, भाई तेरा काम है पानी पिलाना, भाई कन्हैया तू पानी पिला, तू मलम पट्टी कर, साडा दुश्मन नहीं है संसार दे विच कोई। भाई सती दास रूह दे नाल लपेट दिता गया, और रूह दे नाल लपेट के अग ला के 1675 चांदनी चौक दिल्ली भाई सती दास जी नूं अग ला के गुरु तेग बहादुर महाराज दी अखां दे सामने सिख जल रहे ज्यौंदिया अग ला के साड़ दिता गया दिल्ली दे विच। इस तों बाद समा आया भाई दयाला जी तीसरे, तीन आदमी गुरु तेग बहादुर महाराज जी के साथ गए थे, एक को आरे के साथ काटा, दूसरे को काटन में, अब तीसरा है भाई दयाला जी। भाई दयाला तेरी सजा की है, जे धर्म छड़ देगा तो संसार दे सुख ने, ते जे धर्म नहीं छड़ता आ देख देग देग पतीला बहुत बड़ा बर्तन उसके बीच में डाल तेन पतीले दे विच पाल के वाल देंगे। और भाई दयाला जी का पता की जवाब सी, कहते मैनू देग दे विच पाओ उत्तों ढक्कन दे दिओ, पर मेरी एक बेनती है मैं जपजी साहब का पाठ करांगा जदों तक मेरे पाठ का भोग ना पवे तां ढक्कन खोल के ना वेखियो। भाई दयाला जी देग दे विच बिठा के अग ला दित्ती, भाई दयाला जी ने पढ़ना शुरू किया एक ओंकार सतनाम, वो खुश हो रहे ने, कहते सिख देग दे विच उबल रहा है पर सिख विच ना पौड़ियां चढ़ रहा है, करम खंड धर्म खंड शर्म खंड। जदों ढक्कन खोल के कहते सिख मारिया गया, पर उन्होंने नहीं पता सिख इन्हां पौड़ियां नूं चढ़दा चढ़दा पहुंच गया सचखंड, सचखंड वसै निरंकार। भाई दयाला जी शहीद हुंदे ने। भाई दयाला जी तों बाद समा आउंदा गुरु तेग बहादुर महाराज जिनका दिन बना रहे हैं, अज आखिरी डायलॉग होता है उनके साथ। गुरु तेग बहादुर तेरे साथ तीन जो सिख आए थे तूने देखा किस ढंग से उनको हमने मारा है, उन्होंने लफ्ज शहीद नहीं वरता मारा है, तेरे साथ इससे भी ज्यादा होगी, लास्ट ऑप्शन है अगर तू अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जा, क्योंकि तू अकेला नहीं आएगा, तेरे पीछे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तादाद में हिंदू खड़ा है। अगर तू अपना धर्म छोड़ के हमारी इस शरह में आ जाता है तो ये हजारों की तादाद लाखों की तादाद में हिंदू धर्म जो है अल्टीमेटली इस्लाम के दायरे में आ जाएगा। जब कोई पेश नहीं ना जाती अखीर दे विच हुक्म सुनाया जाता है गुरु तेग बहादुर महाराज नूं फड़ के इहदा सिर कलम कर दिता जाए। काजी है, उस काजी का नाम है काजी अब्दुल वाहद। काजी अब्दुल वाहद अपनी किताब कढ़दा है, वह किताब के तहत सुनाउंदा है
और स्नान तो पहले एक गल कहता है, कहता गुरु तेग बहादुर तेन पता मैं कौन हाँ, मैं खानदानी काजी हाँ जिसने तेरे दादे गुरु अर्जन साहब नूं शहीद करन दा हुक्म दिता सी ना, वह मेरा दादा सी, असी खानदानी काजी हाँ। कोल खड़ा जलाद है, उहदा नाम है जलालुद्दीन, वह कहता यह खानदानी काजी है, मैं खानदानी जलाद हाँ, तेरे दादे गुरु अर्जन साहब नूं जिस मुर्तजा खान ने सजा दिती ना वह मेरा दादा सी, ये खानदानी काजी है, मैं खानदानी जलाद हाँ। तो गुरु तेग बहादुर कहते साड़ी तो बनेगी बड़े कमाल दी, क्योंकि तू खानदानी काजी, तू खानदानी जलाद है तो मैं खानदानी शहीद हाँ, मैं तो उसे का पोतर हाँ, जिन्हू तत्ती तवी दे बिठाया ना, मैं उसे गुरु तेग बहादुर का पोतला, साड़ी तो जमेगी बड़ी, जो काम करने जा रहे हैं ये तो हमारे कुलों में हो रहा है, आपकी कुल का काम है मारना और मेरी कुल में मरना, ये तो हमारा हमारी बात ही बड़ी कमाल की बनेगी। हुण अगला स्टैप की सी, गुरु तेग बहादुर नूं मारना नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब नूं मारन दे नाल खत्म हो रहा मनसूबा, खत्म हो रहा औरंगजेब दा, चुकाना है। हुण चुकाउण वास्ते अगला नतीजा पता की कीता, तेग बड़ी वड्डी शस्त्र कृपान सामने हुण तेग, उह तेग पकड़ के ना ते जलाद जलालुद्दीन की कर रहा, पत्थर के उत्ते रगड़ रहा, डरा रहा ना, डरा रहा गुरु तेग बहादुर डर जाए, क्योंकि मकसद क्या है चुकाना, वह पत्थर के उत्ते रगड़ रहा, और पत्थर उत्ते रगड़ के ना एक गल कहिंदा गुरु तेग बहादुर नूं, कहिंदे तेग बहादुर तैनूं पता इहनूं की कहिंदे ने, आ जिहड़ी मैं हत्थ च फड़ी तैनूं पता इहनूं की कहिंदे ने, तैनूं नहीं पता, इहदा नाम है तेग, एक होती है कृपान, एक उससे बड़ी होती है, उसको बोलते तेग, वह कहिंदा इहदा नाम है तेग, इसका नाम तेग है, जब ये चलती है बड़े बड़ों के जो है होश उड़ जाते हैं, तो गुरु तेग बहादुर हस के कहिंदे कहिंदे जलादा तू मैनूं तेग नाल डरा रहा, वह भोलिया तू मैनूं तेग नाल डरा रहा, मेरे बापू ने मेरा नाम ही तेग बहादुर रखे हुए, मेरा तो नाम ही तेग बहादुर है, जिहदा नाम ही तेग बहादुर होवे तू तेग नाल डरा रहा। एक गल चेते रखी, जे 14 साल की उम्र के करतारपुर च मैं तेग चलाउण च बहादुर हां ना, अज दिल्ली दे विच तेरी तेग खाउण दे विच भी बहादुर हां, सिख तेग चलाउण दे विच ही बहादुर नहीं ने, यह खाउण दे विच भी बहादुर ने, खाली चलाईआं तेगां गल नहीं बणदीआं, यह तेगां खाणीआं भी पैंदीआं ने, केवल चलाउणीआं नहीं पैंदीआं, तुसीं इतिहास पढ़ के वेखो ना, हिंदुस्तान की हिस्टरी को पढ़ो, मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं, एक भी इसमें अगर गलत हो आप, मेरा खुद मैं क्या, मैं खुद एम्प्लाइज हूं पुलिस डिपार्टमेंट में, आप कभी भी आके मेरे साथ इस पे बात करो, कुल हिंदुस्तान को आजाद करने में 108 आदमी आज तक टोटल जितनी भी जो हैंग हुए फांसी 108 93 सिख, ये खाने में भी बात रहे हम, चलाने में थोड़ा है, काले पानी की सजा 2100 सिख, जल्हे वाले बाग 13 अप्रैल 1919 1300 आदमी शहीद होते हैं, 900 सिख, बजबज घाट 786 सिख, सुभाष चंद्र बोस की फौज, आजाद हिंद फौज 42,000 उसकी फौज, उसमें 22,000 सिख, इस देश में कृपाने चलाई नहीं, खाई भी हैं, खाई भी हमने, और गुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली चांदनी चौक के कहते जलादा मैनू तेगा नाल डरा रहे, और मेरे बाप ने मेरा नाम ही तेग बहादुर रखे, तू इदा कर जे मैनू डराना चाहता, फिर एक कृपान नाल नहीं सिख डरदा, एक कृपान दे नाल मैं हिंदू धर्म का जनेऊ तेरे हाथ च नहीं फड़ावांगा, जे मैनू डराना ही इहोजियां 100 तलवारां लैके आ, पर मेरा तेरे नाल वादा है मैं तेरियां 100 तलवारां नाल भी नहीं डरांगा, पर जिहड़ियां तलवारां हुण इस तों बाद मेरा पुत्र चलाएगा ना, उहदे सामने तुहाडी सारिआं दी तलवारां डिग जाणगी। बड़ी कमाल दीआं पंक्तियां सी इक कवि दीआं, उह कहिंदा गुरु तेग बहादुर साहिब कहिंदे मैं हां तेग ते कढ लै तेग तू वी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगा, मैनू रुतबा तेग बहादरी दा मेरे सामे नहीं सकदियां होर तेगा, ओ मैं ज्यौंदियां ही तेगा दी शाह माणी, मेरे बापू ने पहनियां सी 2 तेगा। दुनिया में हर एक आदमी ने एक एक तेग, तेग मीन किरपान, एक एक किरपान रखी थी, वो बोलता जलाद तेरे बाप ने एक रखी है, जो मेरा बाप है ना वो 2 रखता था, गुरु तेग बहादुर साहब के पिता का नाम था गुरु हरगोबिंद साहब, वो 2 रखते थे मीरी और पीरी, उन्हें कहा मेरे बापू ने पहनिया सी 2 तेगा, मेरे बापू की अणख बहादुरी से परखदा रहा तेरा प्यो तेगा, मेरे बापू की अणख बहादुरी से परखदा रहा तेरा प्यो तेगा, हुण आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने वानिया वह तेगा, ओदी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू लखां लेगी तुहाडियां खो तेगा, हुण ते तेगा का काम गांह शुरू होना, कले कले दे तेगा पा देंगा, जिहड़े दुनिया के लोग कहते सी ना बई लड़क हर एक आदमी नहीं सकता, नहीं केवल एक खत्री लड़ेगा, गुरु पातशाह ने कहा नहीं,
हर एक आदमी अपनी रक्षा कर सकता है। लोग बोलते नहीं हमारे मुकद्दर में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है। तो गुरु पातशाह ने पता की क्या कहते, एक एक को धर दूंगा शमशीर के आगे, दिलो सीना रख दूंगा चीर के आगे। वो दुनिया तो झुकती है तकदीर के आगे, अब तकदीर को झुकना होगा मेरी शमशीर के आगे, मैं तकदीर चुका देंगा। और अखीर गुरु तेग बहादुर महाराज का समा आंदा है, आखिरी बार पूछण ते गुरु पातशाह कहते नहीं, मैं कश्मीर की धरती के उन्हां हजारां की तादाद लखां की तादाद दे विच मासूम बच्चियां दे नाल एक वादा करके आया हूं। मैं कश्मीर में उन बच्चों से एक प्रॉमिस करके आया हूं कि आपके सर से ना आपके पिता का साया जाएगा ना ही आपका धार्मिक चिन्ह जाएगा जब तक हिंदुस्तान की धरती में गुरु नानक का सुनहरी सिद्धांत मौजूद है। गुरु तेग बहादुर महाराज के सिर के उत्ते जलालुद्दीन जलाल तलवार का एक वार करता है और गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सीस सर के उत्तों कट के धरती के डिगदा है। पहली एग्जाम्पल दुनिया की मनुखता के लिए, इंसानियत के लिए, अपना कोई नहीं है इसमें, कोई सख धर्म पे जुल्म नहीं था। एक बादशाह जो धर्म बादशाहित के नशे में आके संसार के ऊपर जुल्म करना चाहता था, गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपना सीस कटा के दिल्ली दे विच 1675 दे विच शहीदी पाई। और इस तों बाद दा जिहड़ा अगला सफर है, क्या कमाल दे गुरु पातशाह दे सिख ने, गुरु पातशाह की शहादत तो बाद ऐलान करता भी कोई भी इन्हां दी जिहड़ियां डेड बॉडियां नहीं चुकेगा, रोलनियां ने असीं, पर इत्थे गुरु दा एक सिख है जिहदा नाम है भाई लखी शाह बनजारा। भाई लखी शाह बनजारा जिहड़ा है वो गुरु पातशाह दे धरन नूं चुके, क्योंकि सीस भाई जेता जी पंजाब लैके आते हैं तो धरन नूं चुके अपने घर लै जांदा रकाबगंज साहब, जिथे अज इतिहासक स्थान रकाबगंज साहब बनया ना, इस रकाबगंज के सीस लैके जाता है और रकाबगंज के जाके अपने घर के अंदर सीस रख के अपने घर अग ला दिंदा है। दुनिया के इतिहास के अज तक किसी आदमी ने अपने घर अग नहीं लाई, अपने घर को आग कोई नहीं लाता, बल्कि लोग आग लगने से घर को बचाते हैं, पर एक सिख वो भी है जो अपने घर को आग लगा रहा है। इसे करके एक कवि ने लिखा कहते, गुरु तेग बहादुर तेरी जिंदगी दे विच दो शाह आए, शाह एक शाह ने तेनू छिपाया, एक शाह ने तेनू दुनिया के सामने प्रगटाया, दो शाह ने। एक शाह सी जिहदा नाम सी मक्खन शाह लवाणा, उन्हें पता की कीता सी, उन्हें गुरु तेग बहादुर नू प्रगट कीता सी दुनिया के सामने, उन्हें प्रगटाया। तो जिहड़ा दूजा शाह सी ना लखी शाह बनजारा, उन्हें प्रगटाया नहीं, उन्हें छिपाया, अंदर छिपाया, पर दोनों ने आपो अपने फर्ज निभाए ने। कवि लिखता है कहिंदा, गुरु तेग बहादुर तेनू दो शाह मिले, एक शाह ने तेनू छिपाया, दूजे शाह ने तेनू प्रगटाया, उस शाह ने अपना फर्ज निभाया, इस शाह ने अपना फर्ज निभाया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शीस का संस्कार दिल्ली, दुनिया के इतिहास में पहली फर्स्ट, आज तक ना इससे पहले कभी हुआ ना आज, एक आदमी की मौत के बाद उसके एक शरीर के दो ना संस्कार हुए ना ही एक शरीर को दो जगह कहीं दफनाया गया। ये पहली एग्जाम्पल है दुनिया में, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का एक शरीर है, पर इस देश, इस वतन, इसके खातर, इंसानियत के खातर, मनुष्यता की खातर गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने एक शरीर का एक इस जगह पे संस्कार भी नहीं हो सका। उनके शीश का संस्कार, सर का संस्कार दिल्ली में होता है, वाहेगुरु आनंदपुर साहब में होता है, और उनके दड़ का संस्कार दिल्ली में होता है। मनुखता की खातर गुरु पातशाह ने अपना सर कटवा के तिलक जंजू रखा प्रभ ताका, संसार दे विच मनुखता की खातर। असी फिर कह दिए किते ये भी असी क्लेम नहीं कर सकते भी हिंदू धर्म की खातर नहीं, इंसानियत। अगर उस वक्त ये जुल्म कश्मीर की धरती में वहां के मुस्लिम पे होता, गुरु तेग बहादुर महाराज ने यह नहीं कहना था भी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, ये फिर भी होना था। अगर क्रिश्चियनिटी पे होता, वहां बात हिंदू इस्लाम की नहीं, बात इंसानियत की थी। वो तो इत्फाकन जुल्म जो था वो कश्मीरी पंडित पे हो रहा था, हिंदू पे हो रहा था। अगर ये किसी पे भी होता तो इंसानियत के खातर गुरु नानक का सिख जो है बाहर निकलता। सो तुसी सारियां ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी का ये पावन प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा है इस, और इस तो पहला भी पिछले साल गुरु नानक साहब का तुसी बनाया है। मैं आउंदिया ही कहा दुनिया के सब तो वड्डा धर्म की है, मैं जरूर 5-7 मिनट अपने रखे ने इसे करके, काश असी असली धर्म सीख जाइए। अगर दुनिया में असली धर्म हम समझ जाए ना, ये सारा सिलसिला ही खत्म हो जाए। बेसिकली धर्म को बड़ा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझ नहीं सके हमने। केवल धर्म को एक लिबास, एक
डिफरेंट, बस एक समझा भी एक ये एक लिबास एक है उसके, ये कपड़े होंगे वो धर्म है। धर्म किसी कपड़े का नाम नहीं है। आम में बहुत बैठे हुए हैं, कोई पेंट लगा के बैठा है, कोई टाई डाल के बैठा हुआ है, हो सकता है मेरे इस लिबास से कहीं गुना ज्यादा उसका धर्म हो। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म पता क्या है? लिबास थोड़ा है। अगर लिबास धर्म होता ना, आप एक क्रिमिनल आदमी को 5 मिनट में पकड़ के लाओ, उसको डालो ये मेरे कपड़े में, सबसे बड़ा धर्म ही बन गए। लेकिन धर्म कमाना बड़ा मुश्किल है दुनिया में। अब देखना एक डॉक्टर के लिए धर्म क्या है, एक डॉक्टर का धर्म क्या है। एक डॉक्टर क्लिनिक पे बैठा हुआ है, उसके पास एक पेशेंट आता है, वो बड़े वो उसको पता भी इसकी जो बीमारी है ना, इसकी किडनी खत्म है, मैं थोड़ा किडनी डाल सकता हूं। वो बात ही उसको इतने प्यार से करता है, उसकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। वो फिर देखता है, यार आप ऐसा करो, ये आपका इतना हिसाब किताब है, फलानी जगह से आप ट्रीटमेंट कराओ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर मैं डॉक्टर हूं, मैं देख रहा हूं भाई ये तो कमाल है, वे खिड़की हाथ में है, आप सबसे पहले जाओ वहां से टेस्ट करवा के लाओ। उपने नहीं, आप फलानी जगह से ही टेस्ट करवा के लाओगे, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ आएगा। पर वो धर्म नहीं है, वो डॉक्टर का धर्म नहीं है। एक डॉक्टर जो है ना वैद, फिर उसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है, वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सब संसार। मुआ इसका मतलब शर्त तो ये थोड़ा है डॉक्टर मर गया, वो बैठा हुआ है, बड़े पेशेंट देख रहा है। पर गुरु बोलता है वो जितना मर्जी पाठ करे सुबह उठ के, और जितनी मर्जी निवाजे पड़े, मेरी नजर में वैद मुआ वो मर गया, उसके अंदर वो इंसानियत ही खत्म होगी। वो तब तक जीवित है जब तक एक आदमी गरीब उसके पास आया, वो कुछ नहीं कर सकता है, जो बीमारी है उसकी उसको नहीं, लेकिन वो उसके साथ बात इतने प्यार से करता, प्रॉपर उसको गाइड करता है, आप ऐसा ऐसा करो, ये उसका धर्म है। इसी तरह दुनिया में हर एक, मेरा अपना, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं बड़ी एक घंटे से कथा कर रहा हूं भी, जाते हुए मैं ट्रक वाला पकड़ लिया 500 रुपया चलान तेरा, कौन सा दुनिया में धर्म है? तेरा धर्म जो तेरा काम है ना, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन है? सर्व ये नहीं है बड़ा धर्म, वो उसकी गिनती इतनी है, गिनो किसकी गिनती, वो बड़ा है सबसे ना। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हार को नाम जप निर्मल कर्म, सबसे बड़ा धर्म दुनिया में एक तो प्रभु परमात्मा का अपने अपने धर्म के अनुसार उसका नाम लेना, और संसार में निर्मल कर्म, तुहाडे कम निर्मल होन, तुहाडे कर्म निर्मल होन, जिहड़े कम कर रहे हो तुसीं ओह चंगे होन, मनुखता दे वास्ते तुहाडे कर्म होन, वह दुनिया का सब तो वड्डा धर्म है। वह धर्म दे विच तुहानूं कोई लिबास पाउण दी लोड़ नहीं, कि प्रॉपर यही लिबास दे विच तुसीं धर्मी हो सकदे हो। वह एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक वकील भी धर्मी हो सकता है, इंजीनियर एक ट्रक ड्राइवर भी धर्मी हो सकता है, दिहाड़ी लाने वाला भी धर्मी हो सकता है। इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज ने सानूं असली धर्म दस्सिया है। दुनिया दे विच इहो जिहे असीं धर्मी बन जाइए, धर्म सिखिए, इत्थों विचारां करदिआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां, क्यों? क्योंकि ज़्यादा फ्लो साडा पंजाबी दा है। पर मैं आउंदे जिद्दां तुहाडे जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटर सी इत्थों दे, डॉक्टर साहब डॉक्टर JP सिंह, उन्होंने जिद्दां गल कीती वी बच्चे सारे मिल के आए ने, ते गल सारिआं दी समझ आवे, ते मैं कोशिश कीती है वी बच्चे ही सारा मिक्स करके हिंदी पंजाबी गां वी किते ना किते जिहड़े दूजे आए ने कुछ ना कुछ लैके जाण। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सारिआं दा संझ है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच बाबा फरीद साहब मुसलमान ने, उन्हां दी बाणी है। सूरदास जी ब्राह्मण ने, उन्हां दी बाणी है। रविदास साहब जी चमार ने, उन्हां दी बाणी है। ये असां लोगों ने अड कीता है, गुरु पातशाह ने सारे इकट्ठे करके सबे सांझी वाल सदाएं, कोई ना दिसे बारा जियो, एक पिता एक सके हम बारक। असी पता की है, हम है क्या? बस मैं ये कह के समाप्ति करूं, कुम्हार के घर जाओ ना, कुम्हार जो कुम्हार होता है जो बर्तन बनाता है, आपने देखा उसने कितने बर्तन बनाए होते हैं, उसने गड़ा बनाया होता है, एक छोटा होता है कुंडी, एक वो गोल की जैसी बनाई होती है, उसने वो गमला बनाया होता है, वो सब देखने में अलग अलग है। जब उस कुम्हार को पूछो भाई ये कैसे बनाए, मैं बोलता है इस मिट्टी से बनाए, मिट्टी एक है, मिट्टी एक है, उस मिट्टी से घड़ा बन जाता है, उसी मिट्टी से गमला बन जाता है, उसी मिट्टी से अलग अलग किस्म के बर्तन बन जाते हैं। बस इसी तरह हम सब, मालिक ने इंसान बनाया, माटी एक, हम सभी एक हैं, आंखें भी एक, कान नाक, माटी एक, अनेक भांत कर साजी सारजन हारे, ना कछ पोच सारे एको मिट्टी दे, एको माला दे मन के आ। आओ गुरु कृपा करिए, असली धर्म दुनिया दे विच सेक के इस संसार दे विच धर्म दी नाम दी खुशबू फैलाइए। विचारा करदे आ बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां, गुरु बख्शन हार, संगत बख्शन हार, दिओ शीस आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सात संगत जी, ये सन भाई साहब भाई हरमीत सिंह जी, जिन्हों पासों आज जी ने धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के जीवन बारे
उन्हां दा संक्षेप जीवन सरवण किया है। मैं भाई हरमीत सिंह जी का दिलों दिन मुबारा को स्टेज वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने अपना कीमती समा कट के सानू नवाजा है। महाराज के चरणों में अरदास करते हाँ कि महाराज इन्हों होर चढ़ती कला बख्शे ता कि इस तरह ही समाज की सेवा करते हैं। महाराज जी खुशियां आज अपनी सहयोग कर साध संगत जी हूँ आप जी के सामने ये बेनती करांगा नवलीन तो मैंने एक शब्द दिया है हरगुण कौर जी नवलीन कौर जी वाइट लाइट बंद है Yeah.
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतसंगत जी सन हरगुण कौर जी जिन्हां ते महाराज ने बहुत बड़ी बख्शिश की हुई है, बड़ी मिठी मधुर आवाज सात संगत इन्होंने निहाल किया है। स्टेज वालों इन्हों का कोटानकोट धन्यवाद किया जाता है। मैं बेनती करता हाँ नवलीन कौर जी आप जी के सामने एक कविता रखेंगे। नवलीन कौर जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सात संगत जी असी स्टेज वालों एक बाणी चैनल का दिलों दी दुकानां तो कोटानकोट धन्यवाद करते हाँ जो कि यह प्रोग्राम साडा है लाइव चल रहा है। मैं बच्चों को कहूंगा कि अगर वो चाहन तो अपने घर भी फोन कर सकते हैं 115 चैनल नंबर चैनल से टीवी से फेसबुक से यूट्यूब से असी इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं जी। एक बाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है कि कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है एक बाणी चैनल आके बहुत बड़ी जी अपनी सेवा निभाते हैं। असं इन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जी एक बाणी चैनल के। आओ नवरीन कौर जी पासों महाराज जी की महिमा का सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच बैठे गुरु रूप साध संगत जी गज के फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का सालाना प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाई देंदे हां। मैं आप जी दे सामने एक कविता पेश करन जा रही हां जिस विच सिख इतिहास दा वर्णन किया गया होया है। मैं उम्मीद करदी हां तुसी सारे ध्यान नाल सरवण करोगे। कोई होना नी सच्ची गल आखी बाबे नाड़क तो वध केड़ा पाई लैने वांगू किसे हुक्म वजोना नी पंजवे गुरु तू वध पाना किसे मनना नी हरि कृष्ण वांगू पाठ गूंगे तू कराउना नी हरि कृष्ण वांगू पाठ गूंगे तू कराउना नी जहाज किसे मोटे लाके तारिया नी नौवे गुरु वांगू किसे धर्म बचोना नी नौवे गुरु वांगू किसे धर्म बचोना नी जालमा दे मोडे जेड़ा खड़ जे पहाड़ बन गोबिंद सिंह जेड़ा किसे खालसा सजोना नी पैन के ककार पंजे वाड़े विचो सच्चे आजो होर कोई सिंह जिया सोना नी पुत्रा नू थापी दे के तोरिया ना जंग किसे छोटे छोटे बच्चिया नू नीहा च जड़ाउणा नी माई पागो वांगू गुजरी दे वांगू किसे लाला नू पढ़ाउणा नी रंग रेते जेते वांगू सांभणा ना सीस किसे कन्हैया जी दे वांगू पानी वैरी नू पिलाउणा नी ग्याला जी दे वांगू केड़ा देग चे उबाले खावे मणि सिंह वांगू बंद बंद कटवाउणा नी आरे नू प्यारा मत्ती दास वांगू कोणे आखे तारू सिंह वांगू किसे खोपर लोउणा नी बंदे जही किसे ने उजाड़ी सरहंद है नी सिंह वांगू सीस तली ते कटोना नी दीप सिंह वांगू सीस तली ते कटोना नी राजे रण जीत जेहा दुनिया च राज है नी हरि सिंह वांगू किसे रोब जमोना नी भगत स्यों सराबे वांगू रसा किसे चुमना नी उदम स्यों दे वांगू वैरी नू मतोना नी ओखियां ने जिंदड़िया सोखा जग उत्ते हुंदा ना
का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लोकी आखदे तेरे स्कूल अंदर कलगी वाले आ, तेरे स्कूल अंदर लोकी आखदे लगदी फीस कोई ना, जाके देखिया जदों स्कूल अंदर पढ़न वाले धड़ां ते शीस कोई ना, सतगुर आ गए शीस भेट दे ओ, जे सतगुर साचे भाव है। बहुत सोहनी कविता नवलीन कौर जी ने सिख इतिहास बारे आप जी ने दसी है, सो असी स्टेज वाल उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं हूँ बेनती करता हाँ काका हरमिलन सिंह जी जो छोटे बच्चे हैं आप जी ने कविता नाल नवाजन गए, काका हरमिलन सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देव शिवा पर मोहे है शुभ कार्य मन से, बहू न डरू हर चाहे लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करू, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोरे यार हेलो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन हरमिलन सिंह जी जिन्होंने आप जी ने शब्द सुनाया है, देश सेवा वर मोह ये है, करमन ते कबहू ना डरूं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी महाराज दे अगे अरदास कीती, हे वाहेगुरु तू मैनू ये दात बख्श कि मैं चंगे काम करने वास्ते कदे भी पिछे ना हटाऊं, ना डरूं और सू जब जाए लड़ूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं, ते मैं जदू जंगे मैदान में जावा मैनू ये विश्वास होए कि जीत मेरी है, क्योंकि वाहेगुरु तू मेरे नाल है। अर सिख हूं अपने ही मन को, ए लालच हूं गुरु को उचरूं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कलालच करते हैं, कहते महाराज मैनू भी कलालच है कि मैं जिथे भी आव मेरे मन में थोड़ा चिंतन चलता रहे, मैं हर वे थोड़े सिमरन में जुड़िया रहा, चाहे मैं जंगे मैदान में आवा, चाहे मैं अपने घर भी आवा, मैं जिते भी आवा, तुसी मेरे से मेहर करो, तुहाड़ा सिमरन मैनू ना भुले। जब आप की औंध निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरूं, ते मेरा अंत समा जंगे मैदान विच मैं दुश्मन नाल जूझदा होया वीरगति नूं प्राप्त होवां, मेरी मौत घर विच ना होए, मेरी मौत देश दे काम आए, धर्म दे काम आए, समाज दे काम आए, मेरा शरीर ये दास जिहड़ी है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे साहिबजादे हैं, सिख पंथ दे वाली हैं, उन्होंने महाराज अगे अरदास की है। सो असी बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ, क्योंकि स्टेज पर आना भी एक बहुत बड़ी गल होती है। मैं हुण बेनती करांगा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उधमपुर के प्रधान साहब सरदार सतविंदर सिंह जी, जिन्हों से महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, बड़ा मिठा कीर्तन करते हैं, तो दो साल हो गए हैं ये उधमपुर नौकरी करते, लेकिन संगत ने कहा कि असं थोड़ा कीर्तन जरूर सुनना है, तो समा जोड़ा है तुम कीर्तन सुना के निहाल कर देना। आओ देखो महाराज जी कितनी कृपा है, आप जी सारे इन्होंने पासों महाराज जी कीर्तन का आनंद मानो जी। सत्कार योग सरदार सतविंदर सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहे गुरु वाहे
वाहेगुरु गुरु गरीब तन तन हमारे पाक कर आया पीर मेरा कर आया पीर मेरा कर आया पीर मेरा तन तन आया पीर मेरा
ਅੰਤ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅੰਤ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਪੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਭਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਭਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਜੀ। आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव के शुभ अवसर पर मैं तमाम अपने सिख भाइयों को और अन्य जितने भी उपस्थित लोग हैं बहनों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग पर हम सभी अगर चलते हैं तो शायद जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और मैं तो खुद पटना साहिब से आता हूं जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जहां उनका बचपन बीता है और बड़ा ही प्रसिद्ध वहाँ हरमंदिर साहिब हमेशा जाने का मौका मिलता था क्योंकि पटना विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा, शिक्षक रहा, तो जितने भी विदेश के भी गेस्ट आते थे सबको हम वहाँ ले जाते थे और वहाँ से भी लोग इस तरह के जब अवसर आते थे तो पटना यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम कराया जाता था। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1917 में जब 350वां प्रकाशोत्सव था
गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, तो पटना में विशाल जन समूह पूरे विश्व से सिख भाई बंधु आए थे और बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी भी आए थे उसमें। तो ऐसे मौकों पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सारे गुरुओं को नमन करता हूँ और तेग बहादुर जी के इस 400वें प्रकाश उत्सव पर मैं अपने को यहाँ पा करके धन्य महसूस कर रहा हूँ कि ये शुभ अवसर मुझे मिला है और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी सिख परिवार से आए हुए लोगों के लिए, विशेष रूप से डॉक्टर बलवीर सिंह जी जो हमारे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने ये मौका दिया है मुझे। आप सब लोगों को पुनः मैं बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सन पद्मश्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा साहब, मैं आप जी ने दसना चाहता हाँ कि जरा 350 साल धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का गुरपुरब बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने मनाया सी, वाकई अलौकिक सी। उस तरह का प्रोग्राम कोई मना सकते हैं जिन्हें गुरु का बहुत बड़ा प्यार होता है। आदि सिन्हा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं बेनती करता हाँ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री नगिंदर सिंह जम्वाल जी ने वह भी इस महान अवसर से सात संगत को अपना संदेश देंगे। सत्कारयोग नगिंदर सिंह जम्वाल साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं नमन करता हूँ गुरु ग्रंथ साहब का जिसमें 10 गुरुओं का ज्ञान समाहित है, भारतीय दर्शन का ज्ञान समाहित है। मैं नमन करता हूँ गुरु नानक देव जी का, गुरु हरगोविंद जी का छठी पातशाही, गुरु तेग बहादुर जी का जिन्होंने जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर अपने चरण रखे थे। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है, इसलिए कि संत ने कभी शरीर अपने लिए नहीं धरा, उन्होंने पूरे संसार के लिए धरा। जिन चीज़ों के लिए उनके विचार थे, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता हो चाहे बाकी चीज़ें हों, उसके लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। अगर कहीं हमारे स्टूडेंट्स को, माता वैष्णो देवी के स्टूडेंट्स को अपना चरित्र निर्माण करना हो तो मुझे लगता है कि गुरु तेग बहादुर जी से बड़ी शख्सियत कोई नहीं थी। दुर्बल की रक्षा करना, गरीब के साथ खड़े होना, यही कारण है कि उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। अपने लिए नहीं, अपने अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों के लिए उनकी आवाज़ उठाई गई और उसके लिए अगर उन्हें अपनी जान की आहुति भी देनी पड़ी तो कहीं आप देखेंगे कि कोई ना नहीं थी। आज इस दिन के ऊपर आप देख लीजिए, अत्याचारी का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन जिसने अपनी जान दे दी, जिन्होंने अपना सब कुछ नशावर कर दिया, आज सब हम इकट्ठे होकर इस संगत में उन्हें याद कर रहे हैं। मैं सबको, सिख अनुयायियों को और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, उन सबको आज के दिन की बधाई देता हूँ। नमस्कार। नगेंद्र सिंह जम्वाल साहब, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब, इन्होंने दसिया है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की साड़ी जम्मू कश्मीर को कितनी बड़ी देन है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी कलम नाल लिखते हैं, तिलक झंझू राखा प्रवता का कीनो वटो कलू में साका, के गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने तिलक झंझू की खातर जो अपना बलिदान दिता, वह कलयुग में बहुत बड़ा एक साका है। गुरु महाराज ने अपना खून दे के इन्हां दे तिलक नूं बचाया ते अपने स्वासां दी डोरी नूं तोड़ के जड़ी हिंदू धर्म दी डोरी सी जनेऊ दी, उसनूं महाराज ने बचाया। यह गल गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखी है ते महाराज कहिंदे हन, साध ने एत इति जिन करी आप रसी ना उचरी। धर्म दे लई गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शरीर का अंत कर दिता, लेकिन उन्होंने अपना शीश तो दिया
लेकिन उन्होंने अपनी अनख को नहीं झुकने दिया। तो महाराज कहते हैं कि धर्म हेत साका जिनकिया शीश दिया पर सिर और ना दिया नाटक चेतक किए कुकाजा प्रभ लोगन कह आवत लाजा। महाराज कहते हैं कि जेड़े महापुरुष आते हैं वो करामात नहीं दिखाते, तो गुरु महाराज ने ये करामात दिखाई कि उनके आगे झुके नहीं। तो ठीकर फोर दली सिर प्रभुर कियो प्यान तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किनुआन। गुरु महाराज ने अपने शरीर का ठोकरा जो ठीकरा था वो दिल्ली के सिर पर फोड़ दिया, औरंगजेब के सिर पर फोड़ कर प्रभुपुर को चला गए, परमात्मा के पुरी को चला गए। तो तेग बहादुर जैसी क्रिया किसी ने नहीं की। तो कहते फिर इसका रिजल्ट क्या निकला, तेग बहादुर के चलते पे हो जगत को शोक, जो सारा संसार था जो भारत वर्ष था ये शोक में डूब गया। लेकिन क्या हुआ है सब जग पे हो, सारे देश में हाहाकार मच गई, जय 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 सुरलोक। लेकिन जो देवताओं की पुरियां थी वहां जयजयकार हो गई कि हमारा धर्म जो है गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान के कारण बच गया है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज का इतना पावन खून था, अगर वो एक बूंद भी दे देते तो ये धर्म बच जाना था। लेकिन महाराज ने अपने पूरे शरीर का बलिदान कर इस धर्म की जड़ें जो थी वो पाताल तक नीचे कर दी, कोई भी इनको आप टेढ़ी आंख कर देख नहीं सकता। तो सात संगत गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का जो 400 साल गुरुपुर्व है इस पर मैं दिल की गहराइयों से आप सबको स्टेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बेनती करूंगा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के श्री नीरज गुप्ता जी फाइनेंस ऑफिसर साहब उस स्टेज पर आए, उनको भी सम्मान करने हैं। बोले सोने हाल गवर्नमेंट बोलो तो सात संगत जी हूं साढ़े डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार सतविंदर सिंह जी, जिन्हें पासों आप जी ने एक शब्द की हाजरी पहले भी सरवण की है, तो आप जी ने देखा है कि गुरु महाराज जी इन्हों कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा इन्होंने बख्शिश है, क्योंकि ये दात जी है हर इंसान को नहीं मिलती, कोई बिरली अरुआ होंगे जिन्होंने महाराज कृपा करते हैं उन्होंने दात बख्शिश करते हैं। एक शब्द की हाजरी लगाएंगे नाल ही आनंद साहब जी का पाठ करेंगे। सत्कारयोग सरदार सतविंदर सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उधमपुर की तरफ से आज जो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी जिनका 400 साल पूरे विश्व में बहुत सारी जगहों पर मनाया जा रहा है प्रकाश पूर्व, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई इस चीज़ की भी देता हूं कि जो जिन्होंने ये प्रोग्राम प्रायोजित किया है जिसमें खास तौर पर आप सभी हो, पर खास तौर पर प्रोफेसर बलबीर सिंह जी, उपेंद्र सिंह जी सिद्धू और उनकी टीम और जितने भी नौजवान बच्चे जो यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, सब ने मिलकर मैं देख रहा हूँ जो कोई चाय पिलाने के लिए सेवा कर रहा है, कोई जूते रखने के लिए सेवा कर रहा है, और अभी खाना जो जब लंगर स्टार्ट होगा आप सब मिलके सेवा करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो गुरबानी शब्द कीर्तन आप श्रवण कर रहे थे, गुरबानी में कहा गया है एक किनका जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे, कि ये गुरबानी जो आप सुन रहे हो इतिहास सुन रहे हो इसमें से एक छोटा सा मात्र कुछ आपके अंदर ग्रहण हो गया तो उससे हमारा जीवन बदल सकता है। आप ध्यान से सुना कीजिए गुरबानी को, जो कोई सुनाता है उसको अच्छी तरह सुनिए। और मैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसे प्रोग्राम
हमेशा होने चाहिए, जिसमें क्या होता है कि हम संसारिक हर काम करते हैं पर धर्म को साथ रखना बड़ा जरूरी है। अगर धर्म हमारे अंदर ग्रहण कर जाता है तो बच्चे बुरे काम कभी नहीं कर सकते, नशों की तरफ नहीं जा सकते, इसलिए धर्मी होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जितने वरिष्ठ अधिकारी जन आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और उनको भी सबको बधाई देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, उन सबका सहयोग भी आप किया कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राजपाल सिंह जी, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो स्टेज पर आए। बोले सोनेहाल। तो साध संगत जी, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज हम प्रकाश पूर्व जन्मदिन मना रहे हैं, बट उनको उनकी शहीदी के लिए बहुत याद किया जाता है। उन्होंने शीस दिया पर अपनी जो हीम थी, मतलब कि जो अपना देश का गर्व था, उसको गिरने नहीं दिया, अपना बलिदान दिया। आओ हम सब मिलके, जो भी मेरे साथ गा सकता है एक छोटा सा शब्द थोड़े ही मिनटों के लिए, आप सब हम मिलके गाएंगे लास्ट में। उसके बाद अनंत साहब जी का पाठ करेंगे और उसके बाद अरदास में शामिल होंगे। आओ जी सारे मिलके पढ़ेंगे। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, 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 सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर तली गली मेरी आओ, जो तो प्रेम खेलन का जाओ, जो तो प्रेम खेलन का जाओ, जो तो प्रेम खेलन का जाओ, जो तो प्रेम खेलन का जाओ। गगन दमा बाजे पर निशान है प्रेम खेलन का चाओ।
प्रेम खिलन का चाओ, सिर पर तली गली मेरी आओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर पर तली गली मेरी आओ। इन मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय, कान तकी जय, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आनंद साहब के पाठ तो पहला मैं इतों के जोड़े आयोजक सन जिन्होंने कि बहुत बड़ी सेवा निभाई थी, सरदार बलबीर सिंह जी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के, मैं उन्होंने बेनती कराँगा उस स्टेज पर आने। सरदार बलबीर सिंह जी, बोले सोनिहार सत श्री अकाल। मैं हुण आखिर विच बेनती करदा हाँ साडे सत्कारयोग उपिंदर सिंह सिद्धू साहब, ओह वी स्टेज ते आण। बोले सोनिहार सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम कली महला तीजा, अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनंत प्यार मेरे माए सतगुरु में पाए, सतगुर का पाया सहज से थी मन बचिया मदाया, गागर तन परवार परियां शब्द गावने आया, शब्दों में गावो हरी मेरा मन नी बसाया, कह नानक आनंद हुआ।
कारज सब सवार सवनांगना सुमरत स्वामी सुख मनोविसार कह नानक मन तेरे सदा रो करना साचे साहिबा क्या नहीं करते करना तेरा सब कुछ है जिसपे सो पा सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन सार नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे सार क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा यादा साच नाम आधार तेरा जिन भूखा सब दुआ प्रशांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब दुआ सदा कुर्बान दिता गुरु वेटो जिस दिया वड़ियाया क्या है नानक सुनो संतो शब्द करो पिया साचा नाम तेरा यादा वाजे पंच शब्द तिज बार सुभागे कार सुभागे शब्द वाजे कला जिन करता पंच दो गुरु पानी पिता माता तट महार इस रात तो ताई ताया खेल सगल चलिया बुरियाया वाच कर्म दूर करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम के आया के शक्त काल नानक दे मुख्य उजले के ती छुट्टी नाल नानक दे मुख्य नाम दे आया गे मुशक्त काल नानक ते मुखी उजले केती चुकी नाल नानक ते मुखी उजले केती चुकी नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम